हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टैली की एक छोटी सी ट्रिक सीखेंगे, जिसे हम जनरली ट्रिक नहीं बोलेंगे। ये चीज़ बाय डिफॉल्ट टैली में रहती है और हमें पता भी होती है कि ये कैसे करनी है, लेकिन जब टाइम आता है हमें इसे करने का, जब इसे यूज़ करने का, तो हमारा माइंड कभी भी वर्क नहीं करता है कि इसे कैसे यूज़ करें और किस जगह इसका परफेक्ट यूज़ करें कि ताकि हमारा जो काम है बहुत ईजी हो सके। यही कंडीशन मेरे साथ भी हुई थी, जबकि मैं टैली की वीडियोस बनाता हूँ, मेरे साथ भी यही कंडीशन हुई थी। मेरे सामने ये ऑप्शन था, लेकिन मैंने कई बार इस ऑप्शन को इग्नोर कर दिया। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि मैं इस ऑप्शन का यूज़ यहाँ पर कर सकता हूँ। तो चलिए, मैं टाइम खराब नहीं करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ताकि आप मेरी बात समझ सकें, और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आप उसे इसी तरीके से हैंडल कर सकें जैसे कि मैंने किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि आप कई पार्टीज के साथ काम करते हैं, चाहे वो डेटर हो या क्रेडिटर हो। तो ऐसे भी बिजनेसमैन हैं जिनके कम से कम 500 से 600 क्रेडिटर होते हैं, 500 से 600 डेटर होते हैं, यानी कि वो बहुत से लोगों से परचेज भी करते हैं और सेल भी करते हैं। तो उस सिचुएशन में वो उनका पर्सनल नेम जानते हैं, उन्हें पर्सनल नेम से जानते हैं, लेकिन जो उनका फर्म नेम होता है वो अलग होता है। तो हम लोग जो टैली में एंट्री करते हैं या जो लेजर क्रिएट करते हैं, वो फर्म नेम डालते हैं, क्योंकि हमें बिल में फर्म नेम चाहिए होता है, उनका पर्सनल नेम से हमें कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन हम जो पर्सनली उन्हें जानते हैं, उनके पर्सनल नेम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार आपने ऐसा देखा होगा, सपोज कीजिए किसी का नाम राम है, ठीक है, आप उसे राम के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका जो फर्म नेम है वो आदित्य एंटरप्राइजेस है। इसी तरीके से कुछ भी हो सकता है। अब आप जब बिलिंग करने बैठे हैं तो आपके माइंड में ये ध्यान नहीं आ रहा है कि जो राम है उसका फर्म का नेम क्या है। आप बिलिंग कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आखिर मैं कौन सा और यहाँ पर लेजर सेलेक्ट करूँ जो राम का है, ठीक है। आपके दिमाग में एक काम ही नहीं करता है कि उनका फर्म का नेम क्या है, उस वक्त आपको याद नहीं आता है। तो कई बार हमसे मिस्टेक हो जाती है, हम सोचते हैं मेरे टैली में ऐसा कोई लेजर ही मैंने क्रिएट नहीं किया है, या हम राम नाम से ही लेजर खोजने की कोशिश करने लग जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। जब आप लेजर क्रिएट करें, और अगर आप भी इस तरीके से याद रखते हैं, किसी का पर्सनल नेम से उसे याद रखते हैं, उनके फर्म नेम से याद नहीं रखते हैं, तो जब आप उनका जो फर्म नेम का लेजर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है, एलियस का ऑप्शन मिलता है। ये ऑप्शन अगर आपको नहीं दिखाई दे तो आप F12 में चले जाएंगे कॉन्फिग में, और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन प्रोवाइड एलियस अलोंग विथ नेम इस यस कर देंगे, और यहाँ पर उनका पर्सनल नाम लिख देंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप जब ये लिख देंगे, उसके बाद जो भी सेटिंग्स हैं, जो आपको पता ही है कैसे करनी होती है, ये सारी चीज़ें कर लेंगे। उसके बाद आप जब बिलिंग क्रिएट करेंगे यानी सेल्स वाउचर में, तो यहाँ पर मानकर चलिए, मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये जो बजरंग नाम का आदमी है इसका फर्म नेम क्या है, तो मैं यहाँ पर बजरंग टाइप करूंगा। जैसे मैंने बजरंग टाइप किया, उनका जो फर्म नेम है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कई व्यक्ति के नाम सेम भी तो हो सकते हैं, तो उनका टाइटल अलग होगा, या उनमें कुछ आप ऐसा चीज कर दें जिससे कि आपको मार्किंग हो जाए, जैसे उनका जो लोकेशन है वो प्लेस डाल दें एलियस में नाम के साथ, तो वो आप टाइप कर देंगे तो आपको उनका फर्म नेम आ जाएगा। तो आप कभी भी बिलिंग करते वक्त कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, और ना ये सोचेंगे कि हमने इस तरह का लेजर ही क्रिएट नहीं किया। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही छोटी सी चीज़ थी, बाय डिफॉल्ट टैली में होती है, लेकिन कई बार हमारा माइंड एक्यूरेट वर्क नहीं करता है और हम इस चीज़ को देख नहीं पाते हैं। तो अगर आपको ये छोटी सी ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।